छत विस्थापित मतलब डिटेचेबल रूफ ग्रीन हाउस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी घर जिसके अंदर तापमान बढ़े। ग्रीन हाउस तो बहुत अच्छी तकनीक है, मुख्यतः अगर उसमें बात करें तीन चीज़ें जरूरी होती हैं। एक तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आप बांस का बनाइए, पाइप का बनाइए, जीआई पाइप का बनाइए, जिस चीज़ का बना लकड़ी का बनाइए। दूसरा चीज़ होता है क्लैडिंग मटेरियल, जैसा क्लैडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वैसा अंदर का मौसम होता है। और तीसरा चीज़ जरूरी होता है कंट्रोल मटेरियल, कंट्रोलिंग डिवाइस लगाते हैं, जैसे तापमान कम करना है, ज़्यादा करना है, आरएच कंट्रोल करना है, फिर लाइट को कंट्रोल करना है। तो तकनीक तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग में जो प्लास्टिक कल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट चल रहा है आईसीआर का, इसके अंदर हम लोग कम खर्च पे एक लो कॉस्ट डिटेचेबल रूफ ग्रीन हाउस बनाए हैं। अब इसमें क्या है, अब जैसे ग्रीन हाउस के बारे में आप जानते हैं तो बहुत अच्छी तकनीक जैसे हम बताएं, हम यहाँ बंबू बेस्ड कर रहे हैं, बांस का बनाते हुए झारखंड में बांस की कमी नहीं है। और दूसरा क्लैडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, इसमें गैजेट कभी लो कॉस्ट ग्रीन हाउस में कोई भी गैजेट यूज़ नहीं करते हैं हम, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, लाइट को मेंटेन करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे कि बताया कि पोली हाउस तो बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन इसका दिक्कत क्या होता है, अब पोली हाउस में जो जैसे बताया कि खुले खेत की तुलना में तापमान हमेशा बढ़ता है। कहने का मतलब कि खुले खेत में जो तापमान मानिए टेम्परेचर जाड़े के दिनों में 5 डिग्री है, तो अंदर में तो जाड़े में फायदा हो जाएगा। अब इसका कारण क्या क्यों होता है, क्योंकि दो कारण मुख्यतः होता है, कन्फाइनमेंट इफेक्ट कि एयर का मिक्सिंग नहीं होता है, और दूसरा होता है क्योंकि जो क्लैडिंग मटेरियल जो हम प्लास्टिक फिल्म यूज़ करते हैं वो लो ट्रांसपेरेंसी फार इन्फ्रारेड का, जो फार इन्फ्रारेड निकलता है मिट्टी से प्लांट से टकरा के जो जाना चाहता है वो टकरा के जा नहीं पाता। दो कारण से तापमान हमेशा, जैसे कहें हमेशा का मतलब जाड़े में भी तापमान बढ़ेगा, गर्मी में भी तापमान बढ़ेगा, बरसात में भी तापमान बढ़ेगा। तो जैसे कि बताएं कि जाड़े के दिन में तो फायदेमंद हो जाता है कि तापमान कम होता है तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा हो जाता है, बरसात के दिन में पानी से बचाता है। दिक्कत आती है गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में बात करें तो फरवरी से लेकर अगर आप 15 जून जून लास्ट तक बात करें, उस समय क्या होता है खुले खेत में जो हवा का तापमान होता है 40 से ऊपर होता है, जिसके कारण इसके अंदर का तापमान 40, 50, 45, 50, 55, 52 चला जाता है। अब जैसे जैसे बताएं ठंडा करने के लिए तो बहुत सारे तकनीक है, कूलिंग, इवेपोरेटिव कूलिंग है, हम फॉगर लगाते हैं, बहुत सारी तकनीक है, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य यहाँ था कि कम खर्च में कैसे हम कर पाएं। तो जैसे बताएं यहाँ तीन चीज को मिलाया गया है, इंसेक्ट नेट मटेरियल आप देख रहे होंगे, इंसेक्ट नेट मटेरियल का चारों तरफ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, चारों तरफ बांस का स्ट्रक्चर बनाए, मुख्यतः जो हम बनाते हैं छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं 6 मीटर चौड़ा और 12 मीटर लंबा, साइड हाइट हम 2 मीटर देते हैं, सेंटर हाइट 3 मीटर देते हैं और बांस का बनाते हैं। अब यहाँ क्या है कि चारों तरफ इंसेक्ट नेट 40 मेस का मटेरियल दिया हुआ है, चारों तरफ टॉप में बनाते हैं, ग्लास का भी बनता है लेकिन हम लोग प्लास्टिक फिल्म यूज करते हैं, सस्ता होता है, वेट कम होता है। अब यहाँ क्या करता है, इसको फिक्स तो हम नेल से काठी से भी कर सकते थे, तो हमने बोलते हैं कि आप एल्युमिनियम प्रोफाइल, एल्युमिनियम प्रोफाइल है, ग्रिपर है। अब इससे फायदा ये होता है कि आप चारों तरफ इस तरह एल्युमिनियम प्रोफाइल ग्रिपर लगा दीजिए, टॉप में फिल्म लगा दीजिए। अब इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या होता है, पोली हाउस इतना तापमान तो नहीं पड़ता है लेकिन तापमान खुले खेत की तुलना में ज़्यादा हो जाता है, और सेम क्लैडिंग मटेरियल को जो ढका हुआ है बरसात के दिन में भी यूज़ करते हैं इसी मटेरियल को। अब इससे फायदा क्या है कि अंदर बारिश का पानी नहीं जाता, इंसेक्ट भी नहीं जा रहा है, तो जाड़े में तापमान बढ़ गया, बरसात में पानी नहीं गया। लेकिन दिक्कत आती है गर्मी के दिनों में, अब गर्मी के दिनों के लिए हम क्या करते हैं कि जो क्लैडिंग मटेरियल लगा हुआ है एल्युमिनियम प्रोफाइल के साथ फिक्स किया हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं, और इसको रिमूव करने के बाद जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि शेड नेट मटेरियल लगाते हैं, क्योंकि इसको निकालने में काफ़ी ईजी होता है, कुछ करना नहीं है, आप एल्युमिनियम प्रोफाइल से फिक्स किया हुआ है इसको हटा लीजिए और शेड नेट मटेरियल 50% ग्रीन हम लोग बोलते हैं इसको लगा लीजिए। अब इसको लगाने में क्योंकि हाफ एन काफ़ी कम समय लगता है, क्योंकि आपका प्लास्टिक फिल्म डैमेज नहीं हो रहा है। अब इसका फायदा ये होता है कि जैसे हम बताएं कि गर्मी के दिनों में दो दिक्कत होता है, सिर्फ तापमान का दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर कम भी कर ले, लाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा होता है, जो कि टमाटर शिमला मिर्ची खेती के लिए सही नहीं है। अब इसमें क्या है कि जब शेड नेट लगाते हैं तो आपका लाइट का इंटेंसिटी भी कम हो जाता है, तापमान भी कम हो जा रहा है, जैसे जनरल पोली हाउस में नेचुरल वेंटिलेटेड पोली हाउस में तापमान 50 तक चला जाता है, लेकिन मानिए बाहर में 40 है, इसके अंदर तापमान 35 36 तक 3 से 4 डिग्री तापमान भी कम हो जाता है और लाइट भी सही हो जाता है, जिसके चलते सालों भर कम खर्च के लो कॉस्ट डिटेचेबल रूप बना के किसान इसको बनाने का खर्च 300 से 350 स्क्वायर मीटर आता है, किसान चाहे तो पौधा कर सकता है, खेती कर सकता है, और कम खर्च में विदाउट किसी बिजली का कम खर्च में किसान मौसम के महत्व को समझ सकता है और खेती कर सकता है।